मेरी नजरों में मेरे ससुराल वाले और मेरे पति से मेरा रिश्ता सबसे अहम है। देवयानी इस बात को साबित करने की कोशिश जरूर करेगी कि अवंतिका अपनी पूरी कमाई अपनी सासू माँ को दे दिया करती थी। तो आप उसकी इस बात को गलत साबित कीजिए। ये सवाल तो उठेगा देवयानी जी, और ये सवाल मैं उठाऊंगी। अवंतिका, मैं तुमसे और भी कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे इस मामले में पूरी जानकारी चाहिए। उस अवंतिका को मैं इस घर से निकालना चाहती थी, लेकिन आज उसी की वजह से मुझे इस घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है। मुझे अरे शारदा शारदा शारदा, एक मिनट, खामखा परेशान हो रही हो? अरे मैं कुछ ही दिनों की तो बात है, वकील साहब सच कह रहे हैं, तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारी कोर्ट में पेशी हो सकती है। और अगर ये बात खुल गई कि अवंतिका अपनी सारी कमाई तुम्हें देती थी तो मुसीबत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम थोड़े दिनों के लिए इलाहाबाद चली जाओ। इलाहाबाद? जीजाजी, दीदी अकेली इलाहाबाद जाएगी? अरे वहां पर तो कोई है भी नहीं, और इतने बड़े घर में वो क्या अकेली रहेगी? अरे भाई, वहां किसी नौकर का बंदोबस्त हो सकता है। कुछ दिनों की तो बात है शारदा, आखिर हमारा अपना घर है इलाहाबाद में। अगर आपने सोच ही लिया है और वकील ने भी कह दिया है तो ठीक है, आज ही मैं इलाहाबाद के लिए निकल जाती हूँ। और हाँ, आज मैं कसम खाती हूँ, जब तक अवंतिका इस घर में रहेगी मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। अरे शारदा देखो तो सही, आप देखना देखना कुछ भी नहीं है, मैं आपको सच कह रही हूँ, जब तक अवंतिका यहाँ रहेगी ना तब तक आप मुझे भुलाइए भी मत, ठीक है? जीजा जी, ये तो पूरी बात ही उल्टी हो गई। किसी और के लिए ना सही, लेकिन अवंतिका के लिए ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। क्या हुआ अवंतिका, क्या सोच रही हो केस के बारे में? माँ के बारे में सोच रही थी। पापा कोमा में है, प्रतिमा भी यहाँ नहीं है, मैं माँ के सबसे गरीब होते हुए भी चाहते हुए भी उनके साथ नहीं रह सकती। माँ को उनका अकेलापन अकेले ही झेलना पड़ रहा है। उनकी क्या गलती है देवयानी कि उन्होंने दो बेटियों को जन्म दिया? अगर ऐसा है तो लोग सही कहते हैं, बेटियाँ नहीं बेटे ही होने चाहिए। इतना नेगेटिव मत सोचो अवंतिका, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज का क्या होगा देवयानी? कल तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आने वाला कल आज की भरपाई नहीं कर पाएगा देवयानी। अब मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। जब पापा को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, जब वो मजबूर है, मैं उनके साथ नहीं। अब मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती देवयानी। अवंतिका, ये जो हो रहा है उसमें तुम्हारी क्या गलती है? ये तो समाज के खोखले नियम है जिन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे देवयानी, कभी कभी लगता है ये जो नियम है ये बीड़ियों से भी ज्यादा मजबूत है। जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन ये नियम ना बदलेंगे और ना ही टूटेंगे। ऐसा नहीं है अवंतिका, पुराने नियम टूटेंगे और नए बनेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है तुम ये कर सकती हो। देखो, कोई भी लड़ाई इतनी आसान नहीं होती, कुछ कीमत तो चुकानी पड़ती है। मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ और कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ देवयानी, लेकिन माँ और पापा को दुखी नहीं देख सकती। तुम बस अपने केस पर ध्यान दो, आंटी और अंकल की चिंता छोड़ दो, मैं हूं ना, मैं उनका ध्यान रखूंगी। थैंक यू सो मच देवयानी, जिस तरह तुम माँ का ख्याल रखती हो, इतनी बिजी होकर भी उनसे मिलने जाती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये काफी नहीं होगा अवंतिका, उनके पास जाना, उनके पास कुछ वक्त रहना, ये काफी नहीं होगा, इसीलिए मैंने कुछ सोचा है। इससे आंटी का अकेलापन काफी हद तक दूर हो जाएगा। हाँ, क्या सोचा? देखो अवंतिका, जब तक तुम्हारा ये केस चल रहा है और जब तक
अंकल हॉस्पिटल में कोमा में, तब तक क्यों ना आंटी मेरे साथ मेरे घर में रहे। देखो मैं इससे उन्हें ज्यादा वक्त दे पाऊंगी और उनका मन भी लगा रहेगा। अगर तुम कहो तो मैं आज नहीं दिव्यानी प्लीज। अरे लेकिन क्यों क्यों अवंतिका? क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें बहुत परेशान कर चुकी हूँ और परेशान नहीं करना चाहती। तुम पागल हो हाँ? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारी हेल्प करना ये मेरी अपनी मर्जी है, ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अगर मैं इस सेम सिचुएशन में होती तो क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करती? हाँ करती तो दिव्यानी, लेकिन तो क्या, बस बात खत्म। मैं शाम में ही जाके आंटी को अपने साथ लेकर आऊंगी और वो तब तक मेरे साथ रहेंगी जब तक अंकल ठीक होकर घर नहीं आ जाते या तुम ये लड़ाई जीत नहीं जाती। ओके क्या ये क्या कह रही हो तुम? दीदी वहां अकेले जा रही है? हाँ अभी अभी जीजा जी वकील साहब से मिलकर आए और उन्होंने ये सब कुछ बताया है। अरे ऐसा क्या कह दिया वकील साहब ने जो जीजा जी दीदी को इलाहाबाद भेजने का फैसला कर लिए? ऐसा ही कुछ कहा है और फैसला हो चुका है, दीदी इलाहाबाद जा रही है, वो वहीं रहेगी जहाँ वो पहले रहा करते थे। अरे ये क्या बात हुई, सब लोग यहाँ रहेंगे, वो बहुरानी यहाँ रहेगी, इस हवेली में रहेगी और दीदी वहाँ जाके उस पुराने वाले मकान में रहेंगे, ऐसे थोड़ा ही होता है। मैं अभी जाके जीजा जी को समझाता हूँ। अरे अरे मेरी बात तो सुनिए, देखिए बोलो ना। सुनिए मैं क्या कह रही हूँ कि आप जबरदस्ती बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? मतलब ये कि फैसला हो चुका है तो हो चुका है। अब आप मुझे ये बताइए, आप क्या ये मुकदमा हारना चाहते हैं? नहीं नहीं, अरे भाई जीतना चाहते हैं तभी तो वो अवंतिका इस घर से बाहर जाएगी। इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आप चुप रहिए। मेरा मतलब ये है कि अब वकील ने सलाह दी है तो उसने सही कहा होगा ना? हाँ अब क्यों जबरदस्ती जज्बाती होकर दीदी को समझाने की कोशिश कर रहे? अब दीदी को समझाने से उन्हें रोकने से कोई फायदा होगा क्या? फायदा देखिए आइए मैं आपको समझाती हूँ। अरे आइए आइए बैठिए आप। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, कल क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। दीदी आज इलाहाबाद जा रही है, वो कब तक लौटेंगी ये किसी को नहीं मालूम। और आपको पता है दीदी ने तो कसम ली है कि जब तक अवंतिका इस घर में है वो इस घर में लौट के वापस नहीं आएंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ अगर वो इलाहाबाद जा रही है तो उन्हें इलाहाबाद जाने दीजिए ना। देखिए मतलब कि वो इस घर में नहीं रहेंगी तो इस घर में किसकी चलेगी? अरे सोच क्या रहे हम दोनों की, अरे हमारा ओहदा और भी बढ़ जाएगा। अब दीदी की किस्मत में अकेले रहना ही लिखा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। केतकी वो दीदी को लेकर थोड़ा अफसोस हो रहा है। अफसोस आप जताइए, उनके पास जाकर कहिए कि बहू रानी की वजह से आपको घर छोड़ना पड़ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरी बात है। लेकिन हाँ उन्हें रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, समझे? अवंतिका बेटा, आप क्या सोच रही थी मां? देखो पुराने दिनों को याद कर रही थी। कोई बात करने को नहीं है ना, अकेले में सोचना ही ठीक है। मैं आपके अकेलेपन को समझती हूँ। जब भी आपके दर्द को महसूस करने की कोशिश करती हूँ तो
बेचैन सी हो जाती हूँ। पर मैं क्या करूँ मामी, अगर मेरे ससुराल वाले अच्छे होते ना तो मैं आपको अपने साथ लेकर जाती, आप कुछ दिन मेरे साथ ही वहां रहती। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, हम तो वैसे भी ये मानने वालों में से हैं कि बेटी के ससुराल का तो पानी भी नहीं पिया जाता। वो सब पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल उन बातों का कोई महत्व नहीं रह गया है। फिर भी देखिए ना, मैं चाहते हुए भी आपको अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। काश वहां पर मम्मी भी आपके दर्द को समझ सकती, आपके अकेलेपन को महसूस कर सकती। अपनी अपनी तकदीर है बेटा, कोई समझे ना समझे, भगवान जरूर समझता है। शायद मेरी तकदीर में वो मूर्ख इस पड़ाव से अकेलेपन से ही गुजरना लिखा है। हाँ मेघा। नमस्ते भाभी जी, वो मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि माँ जी को इलाहाबाद भेजा जा रहा है। क्या क्या बोल रही हो तुम? हाँ भाभी जी, पता नहीं क्या बात हुई पर अचानक उन्हें वहाँ भेजा जा रहा है और अब वो वहीं रहेगी। मेघा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इलाहाबाद जाना पड़ रहा है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने प्रण लिया है कि वो वापस नहीं लौटेगी। ऐसे कैसे, इलाहाबाद में तो कोई है भी नहीं, मम्मी वहां जाकर करेंगी क्या? वो अकेले कैसे रहेंगी? जो दूसरों को अकेला करना चाहते हैं वो खुद ही अकेले रह जाते हैं, इसी को ईश्वर का इंसाफ कहते हैं। ठीक है भाभी जी, रखती हूँ। बड़े दुख की बात है जीजा, हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा, लानत है हम पर। अरे मगर कर भी क्या सकते हैं शंभुनाथ, वकील साहब का कहना है कि शारदा का यहाँ मौजूद होना केस को हारने की वजह बन सकता है। बेहतर यही होगा कि वो कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद चली जाए। केतकी का तो रो रो कर बुरा हाल है, ऊपर कमरे में रोए जा रही है बस। सबको रुला कर रख दिया है उस अवंतिका ने। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा दीदी अकेले कैसे रहेंगी, क्या बनाएंगी, क्या खाएंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। मामा जी इसीलिए कह रहे हैं ना, अरे जो होगा देखा जाएगा, मम्मा को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पेशी की नौबत आएगी तब की तब देखेंगे। नहीं सिद्धार्थ, मैं ये केस हारना नहीं चाहता। जीजा जी सही कह रहे हैं सिद्धार्थ, वैसे भी ये केस फैमिली कोर्ट में है, ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ये पेशी हो जाने दो फिर देखते हैं। तो मम्मी को छोड़ो, शारदा इलाहाबाद पहुंच के फोन करना। हाँ हाँ फोन तो जरूर करूंगी, उसके अलावा मेरे पास काम ही क्या होगा। इसे भी अपना ही घर समझिए। दरअसल अवंतिका और मैंने मिलकर ये डिसाइड किया कि अब आप यहीं रहेंगी, आप हमारे साथ रहेंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी। माँ बाप के दिल और उनके एहसास के बारे में बेटी से बेहतर और कौन सोच सकता है। अरे आंटी नमस्ते। नमस्ते। दीदी जरा टीवी ऑन कीजिए ना, देखिए समीक्षा ने क्या बढ़िया कवर स्टोरी बनाई है, आज ही उस प्रोग्राम का टेलीकास्ट है और उस प्रोग्राम को अच्छी खासी पब्लिसिटी भी मिल रही है। हर महीने लाखों रुपए
आने वाली एक बेटी, क्या अपने मरते हुए बाप को बचाने के लिए अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा खर्च नहीं कर सकती? ये कैसा समाज है? देखिए पूरी कहानी मेरे साथ आज रात 10 बजे। मैंने समीक्षा से कहा था इस तरह का प्रोग्राम बनाने के लिए, ताकि लोग इस पूरे मामले को अच्छी तरह समझ सके, अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सके, क्योंकि हमें जनता के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मीडिया को शामिल करने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि समाज के सामने सच आना चाहिए, समाज के ठेकेदारों को यह मानना चाहिए कि सोच बदल रही है, इसलिए नियम भी बदल रहे हैं। आंटी हमारी एक पहल, एक कोशिश उन सभी लड़कियों के लिए उम्मीद बनेगी जो अवंतिका की तरह अपना फर्ज चाहकर भी नहीं निभा पाती। मीडिया अब हमारी आवाज बनेगी, हमारी ताकत बनेगी, और यही मीडिया केस जीतने में हमारी मदद करेगी। असली हंगामा आज की स्टोरी में होगा, रात को 10 बजे। ये बात को घुमा के बोल रही है। ये देवयानी की जान पहचान वाली, देवयानी ने केस को मुद्दा बनाने के लिए बकायदा मीडिया का सहारा लिया है। ये बात को घुमा के बोल रही है। ये देवयानी की जान पहचान वाली, देवयानी ने केस को मुद्दा बनाने के लिए बकायदा मीडिया का सहारा लिया है, और ये किसी और की नहीं हमारी इज्जत उछाली जा रही है यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि अवंतिका के माँ बाप कैसे और किस हालात में जी रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अवंतिका एक पढ़ी लिखी काबिल महिला है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ के पद पर काम करती है और हर महीना 1.5 लाख रुपया कमाती है और हर साल इनकम टैक्स भी पे करती है। उस महिला की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अवंतिका के माँ बाप कहाँ और किस हालात में जी रहे हैं। मुझे नहीं देखना, ये बंद करो इसको। अरे जीजा जी आप शांत हो जाइए, देखने दीजिए ना। देखिए जीजा जी, देख के ही पता चलेगा कि इनकी अगली चाल क्या है, ये कहां तक उड़ रहे हैं, उड़ के कहां तक जा सकते हैं। देखिए प्रोग्राम देखिए आप। आज हर आदमी तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन परंपराएं आज भी कायम है। इस तरक्की के दौर में आज भी हम समाज की कुछ पुरानी परंपराओं से बंधे हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं परंपराओं का सहारा लेकर किसी की जिंदगी, किसी की खुशियों के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। अवंतिका की कहानी क्या है ये कोई नहीं जानता था। लेकिन आज ये मामला अदालत पहुंच चुका है, और अदालत में अवंतिका ने जो सवाल खड़े किए हैं वो एक चिंगारी है,
जो सवाल उठे हैं वो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। क्या शादी के बाद एक बेटी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकती? क्या उनका सहारा नहीं बन सकती? जब एक माँ बाप के जिंदा होते बच्चे अनाथ नहीं होते, तो बच्चों के जीते जी माँ बाप कैसे अनाथ हो सकते हैं? माँ बाप केवल औलाद पैदा करते हैं, पैदा होने वाली औलाद बेटा है या बेटी ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। माँ बाप बेटी को काबिल बनाने में, उसे पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और जब बेटी काबिल हो जाती है तो सामाजिक परंपरा का निर्वहन करते हुए उसकी शादी करते हैं और उसे विदा कर देते हैं। लेकिन उन माँ बाप का क्या जिनके घरों में सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं? अगर उन पर कभी कोई मुसीबत आ जाए तो क्या वो बेटी उनका सहारा नहीं बन सकती? लेकिन अवंतिका के ससुराल वालों का कहना है कि शादी के बाद बेटी को सिर्फ ससुराल वालों से मतलब रखना चाहिए, मायके से नहीं। यही समाज है, यही सामाजिक परंपरा है। शादी के बाद एक बड़े ओहदे पर नौकरी करते हुए अवंतिका ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उठाई, लेकिन जब उसे ये पता चला कि उसके पिताजी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज के पैसे नहीं है, तो अवंतिका ने अपने माँ बाप को सहारा देने का सोचा। क्या चाल चली है देवयानी ने, इधर अदालत में केस शुरू हुआ और उधर उसने मीडिया को इन्वॉल्व कर लिया। जी सर, बात तो सही कह रहे हैं आप। क्या स्ट्रेटजी अपनाई है इस देवयानी ने? लगता है इस बार उसने अपने आप को मुझ जैसे बड़े वकीलों की श्रेणी में खड़ा करने का फैसला ही कर लिया है। बड़ा वकील बनने की एक ही शर्त है, केस को जीतने की शर्त। तरफ तो मुझसे टकरा रही है, मुझसे राज बंसल से, जिसके सामने अच्छे अच्छे वकीलों की बोलती बंद हो जाती है। जानते हो क्यों? सर, देवयानी ने इस केस में अदालत में जिस तरह के तथ्य रखे हैं, जिस तरह की बातें की हैं। जानती हो तुम किस बात का असर है? नहीं सर। मेरी असिस्टेंट शिवांगी का, जानती है कोयल, मेरे असिस्टेंट जब मेरे अंडर में रहकर नई नई प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं तो मैं उन्हें हमेशा एक ही बात समझाता हूं कि बड़ा वकील बनने के लिए क्या करना चाहिए। बड़ा वकील बनने की एक ही शर्त है, केस को जीतने की शर्त। केस को जीतने के लिए जुनून चाहिए, और जहां तक मैं समझता हूं शिवांगी मेरी बहुत अच्छी असिस्टेंट रह चुकी है। मुझे याद है सर, मैं भी तो साथ में ही था। कमलेश, शिवांगी अच्छी तरह समझती थी कि मेरी सोच क्या है, केस को देखने का मेरा नजरिया क्या है। उसने मुझे बहुत अच्छी तरह समझा और परखा है, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हो ना हो मेरी सोच के बारे में जरूर बताती होगी देवयानी को कि अब मैं किस तरह की चाल चलूंगा, किस तरह से इस केस को जीतने की कोशिश करूंगा। सर, ये तो बहुत खतरनाक बात है हमारे लिए। हाँ कोयल, ये केस सचमुच एक खतरनाक मोड़ पर है, वरना देवयानी इस केस में मीडिया का सहारा नहीं लेती। इस केस को सामाजिक मुद्दा बनाकर असल में वो अदालत पर दबाव डाल रही है। ठीक है देवयानी, मैं ही उनकी बेटी हूं और मैं ही उनका बेटा भी। अगर आज वो खुद की मदद नहीं कर सकते तो मेरे अलावा उनकी मदद और कौन करेगा? सिद्धार्थ, आप ही बताइए। मैं यहाँ तुम्हारे सवाल का जवाब देने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे ये कहने आया हूँ कि मम्मा इस घर से प्राण लेकर गई हैं। उन्होंने कहा है वो तब तक इस घर में वापस नहीं लौटेंगी जब तक तुम इस घर